स्टेट वाइज जीके के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आसाम के बारे में। यहाँ भी भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ राज्य है। इसकी स्थापना की बात करें 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल की बात करें दिशपुर यहाँ की कैपिटल रहेगी। सीमा से जुड़े राज्य हम पहले भी देख चुके हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल इसकी सीमा से जुड़े हुए राज्य है। लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी, डिस्ट्रिक्ट जिले यहाँ 33 रहेंगे। गवर्नर जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर है, पहले भी जगदीश मुखी जी ही यहाँ के गवर्नर थे। सीएम शर्वनंदा सोनोवाल यहाँ के सीएम रहेंगे, इससे पहले भी शर्वनंदा सोनोवाल ही यहीं के सीएम थे। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ का हाईकोर्ट रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज, एडिशनल लैंग्वेज की बात करें बंगाली इन बराक वैली, जो बंगाली भाषा है बराक वैली के अंतर्गत बोली जाती है, बुडो इन बुडोलैंड के अंतर्गत बोली जाती है। नेशनल पार्क डिब्रू शेखोवा, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा इसका 1999। काजीरंगा नेशनल पार्क 1974, मानस 1990, नमेरी 1998। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ ध्यान रखना वन हॉर्न राइनासोर पाया जाता है, एक सिंह का गेंडा यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत मिलता है, यहाँ पाया जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली गुवाहाटी आसाम के अंतर्गत ही आता है, एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डांस की बात करें लोक नृत्य यहाँ के बिहू, बुगरुम्बा, बोरतल, झुमरी यहाँ के लोक नृत्य हैं। रिवर ब्रह्मपुत्र, बराक यहाँ के इम्पोर्टेंट रिवर हैं। डैम सुबनश्री डैम जो आसाम में स्थित है। फेस्टिवल बिहू फेस्टिवल, यहाँ हर साल बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, यहाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पढ़ चुके हैं, आज हमने आसाम को कंप्लीट किया।